एंड हमारे लुक्स को लेके हमारे कैरेक्टर एंड स्टोरी बहुत ही अलग है। और फर्स्ट टाइम मैं एकता मैम के साथ काम कर रही हूँ, इतनी बहुत एकदम कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। वो एक सुपर नेचुरल शो था, ये फैंटेसी ड्रामा है परी और राक्षस के बीच। और शिवांगी इज़ वेरी क्यूट, बहुत ही सुंदर क्यूट एक बच्ची है। सो बहुत सारे रीजंस है, सबसे पहले तो ये कलर्स पे आ रहा है और कलर्स के साथ मेरा ये तीसरा कोलैबोरेशन है और जब भी मैं उनके साथ जुड़ी हूँ बहुत ही अच्छा रहा है। सो बेकाबू इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, ये एक फैंटेसी ड्रामा है जो कि एकता मैम बना रही है। और एकता मैम जिस टाइप का शोज़ बनाती है हमेशा वो डिफरेंट होता है, एक कुछ अलग ही होता है। एंड हमारे लुक्स को लेके हमारे कैरेक्टर एंड स्टोरी बहुत ही अलग है। और फर्स्ट टाइम मैं एकता मैम के साथ काम कर रही हूँ, इतने सालों से मैं वेट कर रही थी कि मैं उनके साथ कुछ कर पाऊँ, बट मौका नहीं हो रहा था। एंड जब मौका हुआ तो मुझे इतना अच्छा किरदार मिला है। बेकाबू में मेरा मेरे कैरेक्टर का नाम है यामिनी एंड मैं बहुत बहुत कुछ कर रही हूँ, मतलब बहुत सारे लेयर्स है, अलग अलग शेड्स, अलग अलग सब कुछ। मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रही हूँ जो आप जब देखेंगे तभी पता चलेगा। सो हाँ, बहुत एकदम कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। वो एक सुपर नेचुरल शो था, ये फैंटेसी ड्रामा है परी और राक्षस के बीच। क्या क्या सब हो रहा है वो भी देखने लायक, इंटरेस्टिंग चीज़ तो वही है। सो वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम समय के लिए हमने उनके साथ शूट किया है, बट जितना तक हमने किया है बहुत मज़े किए, फन किए, एकदम फुल ऑन मस्ती लोग हैं। और शिवांगी इज़ वेरी क्यूट, बहुत ही सुंदर क्यूट एक बच्ची है। सो मुझे अच्छा लगा उसके साथ भी काम करके। एंड जैन इज़ फन, वो तो हमेशा मस्ती मस्ती करता रहता। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मुझे लगता है ये शो कुछ डिफरेंट कुछ लेके आने वाली है। थैंक यू, मैं तो बस यही कहूँगी कि 18 मार्च से हमारा शो ऑन एयर हो रहा है, रात के 9 बजे सैटरडे संडे। सो डू वॉच आवर शो एंड शावर अस लॉट ऑफ लव।